और इस साइड में उधर बैठा होगा पीछे जाड़ी में चुपके साले टार। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगला ब्लॉग हमारा होने वाला है अरावली हिल के ऊपर, क्योंकि पिछला जो ब्लॉग था गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, जिसमें हमारा पुलिस वाले के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था MBS मॉल के पास। तो वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा था, उसमें मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बना दिया अरावली हिल का। इसमें गाइस बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ऑफ रोडिंग हुई है, एंड ये देखो हमारे दोस्त जा रहे हैं पास में से। एंड बात करूँ अरावली हिल के ब्लॉग के लिए, तो गाइस यहाँ पे बहुत हमने ऑफ रोडिंग करी थी, एंड कुछ सुबह के टाइम पर कुछ अच्छी लोकेशन भी मैंने देखी है भाई। क्या तो गाइस अभी देखो हम लोग अरावली हिल अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पर अभी हम लोग डायरेक्ट अभी जा रहे हैं ऊपर जो ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर हम लोग रुके थे 5-10 मिनट यहाँ पे, एंड चाय वगैरह पिए। अभी देखो हम लोग सीधा जा रहे हैं सीधा ऊपर अरावली हिल के लिए, एंड सबसे पहले मैं ही बाइक लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ही ज़्यादा थोड़ा चाव हो रहा है ऑफ रोडिंग करने का। पहली बार मैं अपनी बाइक के साथ ऑफ रोडिंग गाइस अभी तक कर लूँ, पहले कहीं भी ऑफ राइडिंग अभी तक मैंने करी नहीं है बाइक के साथ, तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ बस मैं। तो अभी देखो सुबह सुबह के टाइम साइकिल वाले भी बंदे आ रखे हैं, बाइकर आ रखे हैं, लड़के लड़कियां सब यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आ रखे हैं। एंड यहाँ से देखो हमारा ऑफ रोडिंग का जो रोड है यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड मेरे को ऊपर अभी पता नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ। पीछे देखो सारे दोस्त अभी लाइन में लग चुके हैं अभी। अरे मेरे को लगा कहीं और जाना है, साला कोई ऊपर नहीं जाएगा, मैं तो वीडियो आएगी सबकी। एंड यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे ये लोग कि सीधा चलना है, रुकना नहीं है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि कोई भी नहीं आगे जाएगा, सबकी वीडियो आएगी, सब यहीं रुकेंगे अभी। तो देखो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ऑफ रोडिंग करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर है। ये रास्ता देखो आप लोग एक बार कैसा है, एकदम पूरे पत्थर ही पत्थर बाहर आ रखे हैं, एंड थोड़ा सा रास्ता है साइड में बिल्कुल खाई टाइप आप बोल सकते हो। एक दोस्त हमारा वो आगे जा रहा है, एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है राइड के ऊपर। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, एंड जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और भी नई नई कंटेंट आपके लिए मैं लेके आता रहूं। एंड सुबह का टाइम आप देखो कैसे बंदे मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं, एंड एकदम थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया है। इतना रात को तो यहाँ पे पूरा सुनसान एरिया हो जाता है, रात के लिए तो बिल्कुल ही कम्फर्टेबल नहीं है किसी के लिए भी ये रास्ता। एंड ये देखो सुबह सुबह बंदे पैदल ऊपर से आ रहे हैं, एंड देख रहे हैं हमारे बाइक को। एंड यहाँ पे गाइस सभी साइकिल लेके बंदे आ रखे हैं, एंड आगे देखना बीच में एक बंदा आया था थार लेके भी बंदा आया था इसी रोड पे, बंदे ने थार ही चढ़ा दिया, अपनी फैमिली के साथ आया था बंदा। एंड बच्चे भी यहाँ पे आ रखे, एक भाई हमारा ड्रोन लेके भी आ रखा था, वीडियो में दिखाऊंगा आगे चल के आपको। एंड काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें यहाँ पे हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा ये कि मॉर्निंग व्यू थोड़ा सा अच्छा आपको मिल जाता है। जैसे गुड़गांव में अगर बात करूँ, दिल्ली एरिया में बात करूँ, थोड़े खेत वगैरह जो हो गया हरियाली टाइप बोल सकता हूँ, वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी वहाँ पर, बट थोड़ा सा अरावली हिल की तरफ आ जाओ तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं, थोड़ा मॉर्निंग व्यू आपको अच्छा मिलता है। एंड सही टाइम मॉर्निंग का ही, आप मॉर्निंग में आओ तो आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर व्यू मिलते हैं। एंड अभी तो गाइस हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, क्योंकि थोड़ा दोस्तों का वेट करते करते थोड़ा टाइम हो गया हम लोगों को, नहीं तो हम लोग जल्दी आ जाते। तो जल्दी में तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा धुंध पड़ी हुई थी, एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, वीडियो भी काफ़ी अच्छी बन जाती, एंड आप लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा व्यू मिल जाता। एंड गाइस ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पर बंदे खड़े होते हैं बिल्कुल जो नीचे रोड तक है ना, पूरा आपको दिखाई देगा। वो देखो सामने रोड दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी पहाड़ियों में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ चलो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर आई थिंक मैंने सुना था कि झरना वगैरह भी बहता है, बट वहाँ पे तो हम लोग अभी तक गए नहीं हैं। चलो एक बार ऊपर चल के देखते हैं कहाँ पे वो झरना है, कहाँ पे नहीं है। एंड रोड तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा डरावना ही मेरे को लग रहा है रोड, क्योंकि एक साइड पर तो बिल्कुल ही खाई है और एक साइड पर पूरा ही ऑफ रोडिंग, देखो कैसे पत्थर ही पत्थर रोड के ऊपर बाहर निकले हुए, और अगर कोई तगड़ा कोई पत्थर होगा नुकीला तो वो तो सीधा टायर में ही घुस जाएगा, तो टायर की तो फिर हवा हुआ सब यही निकलेगी, जाना पड़ेगा फिर धक्का मार के हमको। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, देन देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये देखो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी हमने थोड़े से आते टाइम थोड़ा रुके थे, हमने फ़ोटो वगैरह थोड़ी क्लिक कराई है, दिखाता हूँ वो भी आते टाइम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। देन यहाँ से ये देखो पूरा रोड जितना है ना सारा पत्थरों से भरा हुआ है, रोड सारा पत्थर, टूटे हुए पत्थर हैं, कंकड़ जितने भी हैं, नुकीले पत्थर। एक जगह पे तो मेरी बाइक पूरी अटकी चुकी थी,
अभी देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एंड ये देखो कैसे गिरते गिरते मैं बचाऊँ यहाँ पे। अभी बिल्कुल गिरने लगा था, गिरते गिरते बचाऊँ, एंड यहीं पे करते हैं अभी बाइक को थोड़ा सा बंद, दोस्त का वेट करते हैं R15 वाले का। तो गाइस अभी देखो ये पता नहीं बहुत ही बड़े पहाड़, बहुत बड़े पहाड़ ऐसे पहाड़ ना हमारे ऐसे होते हैं, यहाँ पे लोग ना घरों से बाहर जाते हैं दो नंबर करने। दो नंबर वाले पहाड़ है ये, दो नंबर वाले पहाड़ लग रहे मेरे को। वो देखो एक उधर हमारे जम्मू वाली साइड में उधर बैठा होगा पीछे जाड़ी में चुपके बोतल लेके। तो गाइस यहीं से हम लोग अभी वापस चलते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ इतना है नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा भी नहीं पाया, ऊपर कुछ नहीं इतना। तो यहीं से चलते हैं वापस, बाकी दोस्त अभी नीचे ही खड़े हैं सारे, तो हम लोग 3-4 बंदे ही बस ऊपर आए थे, बाकी सारे थोड़ा सा नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा नीचे, देन अरे यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, चलो हम भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट जाके करवाते हैं। तो लगाते हैं गाइस अपनी बाइक को थोड़ा सा साइड पे, एंड आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू, एंड थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी करते हैं हम लोग। तो गाइस ये है अरावली हिल, आप यहाँ से सुबह सुबह आप व्यू चेक करो। गाइस देखो व्यू तो आपने देख लिया, सामने पहाड़ियाँ हैं और एकदम पूरा धुंध पड़ी हुई है, सामने रोड भी कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट भी करवाया अभी यहाँ पे। मेरे को कवर कर, ओए अब इसको कभी ऑन भी कर लिया कर इसको कैमरे को। साले टायर की बेटा 6,000 कम हुआ है टायर, अगर इतने पैसे तो मेरे को दे दे, मैं राइडिंग जैकेट ले आऊंगा। भाई मिलियन में डॉलर छाप रहा भाई। चलो निकलते हैं गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करके चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ये भाई यहाँ पे हमारा वर्न आउट कर रहा था, टायर पूरा घुमाना चाह रहा था, पर इसको पता नहीं है टायर घुमाएगा तो टायर घिस जाएगा पूरा, और वो भी पत्थरों के ऊपर पूरा घुमा रहा है टायर, और इसके टायर की ऐसी लंका लगेगी ना 6,000 रुपये का नया टायर इसका आएगा यहाँ पे, तभी इसको पता चलेगा है बहुत बर्न आउट मारने का चाह चट रहा है इसको। ये देखो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा आगे रुकेंगे जाके। अरे बाइक की बाइक आ रही है यार, ये देखो बाइक देखो KTM ड्यूक आ रही है। ये देखो एक एडवेंचर गई है पास में से सुबह सुबह, क्या मस्त बाइक है ये, पल्सर आ रही है बाइक की बाइक देखो। बस बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा। चलो ये देखो बाइक के आगे, देखो बाइक कैसे पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, और पीछे बाइक अटक चुकी है इसकी। सुबह सुबह पता नहीं कौन रैंडम बंदा था वो कहाँ गया चीता, मेरे को लगा तूने कुदा दिया यहीं से। तो गाइस ये देखो ये भाई रैंडम भाई है, पता नहीं कौन है, बट यहाँ पे देखो एक ड्रोन लेके आया हुआ है, एंड ये ड्रोन जो है ना गाइस, ड्रोन से हम लोगों ने जो व्यू देखा ना ऊपर का बंदा, इस ड्रोन की जो कॉस्ट है 1,00,000 रुपये कॉस्ट है ड्रोन की, ये जो ड्रोन है 1,00,000 रुपये कॉस्ट है ड्रोन की। इतना मस्त व्यू आया ना ऊपर जाके, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं हम लोग जहाज़ में बैठे हुए, ऐसा मेरे को फील आया पूरा, इतना मस्त ड्रोन था ये। एंड बट इसका ड्रोन का यही इशू है कि इसकी बैटरी बैकअप कम होता है बहुत ज़्यादा। एंड देखो पीछे भी आपने देखा एक बंदा थार लेके आया था गाइस यहाँ पे, वही बंदे की बात कर रहा था, अपनी पूरी फैमिली को थार में लेके आया था सुबह सुबह पहाड़ियों के ऊपर। एंड चलते हैं गाइस अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ऑफ रोडिंग तो हमने कर ली, मेन पर्पज़ तो हमारा यही था कि हमें ऑफ रोडिंग करनी है, एंड ऑफ रोडिंग के ज़्यादा ऑफ रोडिंग के अलावा तो यहाँ पे कुछ है नहीं देखने के लायक, या फिर फ़ोटो शूट हो गया, ऑफ राइडिंग हो गया, बस यही दो ही चीज़ें हैं। अगर किसी को कुछ खाना है फैमिली के साथ आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप भी बने हुए, तो वहाँ पे भी आप लोग सुबह सुबह रुक सकते हो, थोड़ा सा एडवेंचर का आप लोग मज़ा ले सकते हो, थोड़ा सा जो सुबह सुबह मॉर्निंग की जो राइड होती है वो आप लोग साथ में कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा तो बढ़िया है, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं देखने वाला इतना। चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, थोड़ा आराम से चलेंगे, क्योंकि आते टाइम तो हम लोग आ गए थे बिल्कुल, थोड़ा स्पीड में आ गए थे, बट जाते टाइम थोड़ा सा बाइक भी नीचे को जाएगी जल्दी, एंड रोड भी थोड़ा सा पत्थर वाला रोड है सारा, तो बाइक ज़्यादा स्लिप ना हो, तो उसी रीज़न से थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड आगे देखो एक भाई हमारा जा रहा है KTM ड्यूक वाला, एंड ये देखो भाई सुबह सुबह यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सुबह सुबह आए हुए हैं यहाँ पे वीडियो शूट आउट करने के लिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं वॉक के लिए आए हैं या फिर उनकी वीडियो ही बन रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
सुबह सुबह आपको यहाँ पे हर एक केस का बंदा मिल जाएगा, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है। और ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा जैसे आपका माहौल सिटी एरिया में आप रहते हो तो थोड़ा आपको आसपास कुछ दिखता नहीं है, जैसे खेत वगैरह हो गया या फिर आपको थोड़ा हरियाली टाइप कुछ नहीं दिखता सिटी के पास। तो थोड़ा सा बाहर निकल के अगर आप आओगे गुड़गांव से थोड़ा सा बाहर अरावली इलवली साइड, तो आपको अच्छा खासा व्यू आपको मिल जाएगा एंड थोड़ी हरियाली भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड हरियाली से क्या होता है, हरियाली देखने से थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, अच्छी अच्छी वाइब आपको आएंगी सुबह सुबह, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकते हैं गाइस। ये देखो खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग गाइस, ये चेक करो आप, खतरनाक। एंड व्यू चेक करो सुबह का, यहाँ से व्यू चेक करो नीचे उतरने का भाई साहब। ये देखो भाई खतरनाक है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भैया, माँ की आ गई। गुड़गांव के अरावली हिल में ऑफ रोडिंग करते हुए ट्रैक्टर राइडर। चलो आ गए नीचे, अभी हम ऊपर से MT50। आ चुके गाइस अभी हम लोग नीचे पहाड़ी से उतर के, एंड आगे देखो बिल्कुल सिंपल सा रोड है, ये वही रोड है जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा था, वहाँ से कितना मस्त व्यू दिख रहा था, ये बस वही रोड है गाइस। तो चलो चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है, कुछ बंदों को ऑफिस में भी जाना है। एंड ये देखो गाइस, ये है अरावली हिल से जो गुड़गांव जाने वाला जो रोड है ना, ये वो रोड है। एंड ये बिल्कुल सिंगल सिंगल लेन है। एंड ये भाई देखो हमारे कैसे व्हीली मारते हुए, ये चेक करो इसकी व्हीली, ये देखो, ये भाई कहीं भी बाइक को नचा देता है, चाहे वो ब्रेकर हो चाहे कुछ भी हो, स्टॉपी व्हीली, ये देखो फिर व्हीली मार रहा है, ये देखो। एंड गाइस ये वाली जो रोड है ना, ये रोड बिल्कुल सिंगल लेन है, ये वाली रोड जो है सामने से एकदम से गाड़ी आ जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता कि कब गाड़ी आ जाए सामने, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। आते टाइम हमारे साथ यही सीन हुआ था, ये हमारा जो अभिषेक भाई है R15M जो चला रहे हैं, एकदम पूरी बाइक को लीन कर रहा था और एकदम से सामने से गाड़ी आ गई, दो गाड़ी आ गई, बस ये था कि थोड़ा उसने बाइक को थोड़ा ऑफ रोड में ले गया तो बच गया, अगर तेज़ होती जाता तो सीधा बाइक ठुक जाती उसकी। एंड सुबह सुबह यहाँ पे सीन हो जाता, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला सीन होता यहाँ पे। एंड ये आगे हमारे जा रहे हैं आज़ाद भाई, जा रहे हैं यहाँ पे हमेशा की तरह, ये हमारे साथ ही रहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं भागते ये। एंड इसके अलावा आगे देखो हमारे पास R15 है, पल्सर NS है, बहुत सारी बाइकें हैं। ये देखो जैसे ये बाइक बस आ गई ना सामने से, सेम वैसे ही सीन हुआ था उसके साथ भी, बहुत ही ज़्यादा गंदा ठुकते ठुकते बचा है वो सुबह सुबह। एंड क्योंकि रोड ही बहुत छोटे हैं ना, सिंगल लेन है, ज़्यादा बड़ी लेन नहीं है, सिंगल लेन है। ये देखो आगे कुछ साइकिलिंग भी लोग करते हुए, साइकिल लेके जाते हुए। एंड आप इसको चेक करो, ये देखो ये लड़की साइकिल चला रही है, ये उसके पास में से देखो कैसे व्हीली मार के निकलेगा, ये देखो ऐसे व्हीली मार के निकले। एंड अभी मेरे साथ भी आगे यही सीन होएगा, देखो मैं इसको बोल रहा हूँ चल चल, इसको बोल रहा हूँ मैं चल चल, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ। एंड ये देखो इसको मैंने अभी बोला है, अभी देखो सामने बोला गाड़ी आ गई, एंड एकदम से देखो गाड़ी आ गई सामने से, अगर ये ना बोलता तो मेरा ध्यान उस साइड था एंड मैं सीधा जाके थार में मेरी बाइक लगती सुबह सुबह, तो वहाँ पर दिक्कत होती बहुत गंदी, बाइक तो टूटती टूटती चोट भी लगती, और फिर जो दिक्कत होती उस बंदे के साथ वो भी जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है यहाँ पे सुबह। तो ये ना कहीं भी जाओ तो थोड़ा ध्यान से जाओ, सिंगल लेन का खास करके। एंड ये देखो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुके हम लोग, एंड आप यहाँ पे थोड़े से स्टंट चेक करो बाइक के, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टंट चेक करो, बोल रहा है कि अभी नए टायर डलवाए और रोड एकदम बिल्कुल स्लिप, ये देखो भाई साहब, ये अभी इसके अभी लेटा थी इसने बाइक नीचे और लग गई इसकी बाइक नीचे, ये देखो ड्यू के ऊपर क्या व्हीली मारता हुआ गया भाई, वो देखो कैसे व्हीली मारता हुआ गया यहाँ पे।
तो चलो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते अभी हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड चलते हैं हम लोग यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा एंड कुछ बंदों को ऑफिस में भी जाना है। तो जाके गाइस, वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो जाके वीडियो को, एंड जितना हो सके आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को क्या क्या गलती मैं कर रहा हूँ अभी ब्लॉग अपने में, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। चलो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए निकलते हम लोग घर की तरफ एंड मिलता हूँ गाइस आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।